चैनल। तो अभी जन्माष्टमी आने वाली और इस टाइम में बहुत सी मिठाइयाँ बनती है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो आज मैं बना रही हूँ दूध बादाम पेड़ा। तो इसके लिए ये लिए मैंने बादाम, जिसे मैंने आधा घंटे पहले थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें भिगो दिया था, और उसके बाद इनको छील लिया, इनके पूरे छिलके उतार दिए हैं। और ये लिया मैंने दूध, जितना हम यहाँ पे बादाम लेंगे उसका उतना ही हम दूध लेंगे। अगर एक कटोरी बादाम है तो हम एक कटोरी के करीब ही दूध लेंगे। दूध आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें दूध को फिर जलाना है। तो ये लिया मैंने मिक्सी। तो सबसे पहले जो हमारे बादाम लिए और दूध लिए हैं, इसका एक बहुत फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, इसको पीस लेंगे अच्छे से। तो मैं इसे मिक्सी में डाल लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। तो जो बादाम था उसे मैंने पीस लिया और एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लिया। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे डोसे का बैटर होता है, ये ऐसा पेस्ट बन गया है। बिल्कुल हमें इसे बहुत फाइन पीसना है। इधर मैंने गैस पे चढ़ा दिया एक पैन, और उसके अंदर मैं डालूँगी एक चम्मच देसी घी। यहाँ पे अभी बिल्कुल मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, और एक चम्मच मैं घी लास्ट में डालूँगी जब ये बन जाएगा। और इस घी के अंदर ही हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ है इसे कर देंगे ऐड, और इसे अब 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से, जब तक इसका दूध का पानी बिल्कुल जो दूध है इस पेस्ट के अंदर वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक इसे हम भूनेंगे मीडियम गैस पर। जो पेस्ट था जो हमने बनाया था वो आप देख रहे हैं कि थिक होना शुरू हो गया। इसे करीब 5 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। तो यहाँ पे मैंने जितने बादाम लिए उतना ही दूध का यूज़ किया है। तो हमें बादाम को पीसने के लिए दूध चाहिए, और इससे जो दूध का जो फ्लेवर है इस पेड़े में बहुत बढ़िया आएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी, अगर आपके पास मलाई है तो मलाई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी पे ये बादाम दूध पेड़ा एक बार बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनते हैं। और जितना मैंने यहाँ पे बादाम लिया, आप देख रहे हैं पेस्ट अब थोड़ा सा इकट्ठा शुरू हो गया है, होना शुरू हो गया। तो अब इसमें मैं डालूंगी, ये है मेरे पास बूरा, आप पिसी हुई चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने जितना यहाँ पे बादाम लिया था, मेरा 100 ग्राम के करीब बादाम था, तो यहाँ पे मैंने उसका आधा यहाँ पे चीनी का यूज़ किया है। तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी अपना मॉइस्चर छोड़ेगी, तो आप देख रहे हैं जो हमारा जो बैटर है वो फिर थोड़ा सा पतला हो गया है। इसे हम फिर थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे। तो जो बादाम में और मिल्क का जो पेस्ट है वो देख रहे हैं आप, कढ़ाई में बिल्कुल अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि आप थोड़ा सा इसमें से पेस्ट निकाल लें और देख लें कि ये हाथ में इसकी अच्छे से गोली बन रही है, हाथ में चिपक तो नहीं रहा। अगर ये नहीं चिपक रहा तो इसका मतलब आपका जो है पेड़े का बैटर बिल्कुल अच्छे से हो गया तैयार। अब इसके अंदर मैं डालूंगी छोटी बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा घी, इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा हो जाएगा। ये मैंने बिल्कुल आधा चम्मच छोटी चम्मच घी इसमें डाला है, और फिर इसे हम गैस पे 1 से 1.5 मिनट तक और भून लेंगे, और फिर हम गैस को कर देंगे बंद और इसे पेड़े बनाने के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बादाम का जो बैटर है वो अब थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब मैं बनाऊंगी इसके पेड़े। मैंने हाथ पे लगा लिया थोड़ा सा घी। अगर हमारा बैटर अच्छे से भुना होगा, इसमें दूध वगैरह नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, तो हमारे पेड़े बिल्कुल भी हाथ पर नहीं चिपकेंगे। तो मैंने आपको उसका बताया भी था कि आप एक पहले थोड़ा सा उसमें से पेड़ा निकाल लें और देख लें बना के, अगर उसका गोली बन रही है और वो चिपक नहीं रही है तो इसका मतलब हमारा पेड़ा बिल्कुल परफेक्ट, हमारा बैटर परफेक्ट बना है। तो इस तरह से हम अपने सारे पेड़े बना लेंगे। दूध बादाम पेड़ा बनकर तैयार है। इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखें कि इसका पेस्ट जो है बहुत फाइन बनाए। तो आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट सा बढ़िया सा बना है, आप देखिए। तो इसका जो पेस्ट है वो बहुत फाइन बनाना, और दूध आधा दूध और आधा इसमें बादाम, जितने बादाम है उतना ही दूध का यूज करें। अगर आपके पास है तो आप इसमें थोड़ी सी मलाई या मलाई की जगह थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं, पर ये मैं यहाँ पे जन्माष्टमी के लिए बना रही थी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल इसको बहुत ही सिंपल से तरीके से बनाया है फास्ट के हिसाब से। तो अगर आपको मेरी ये दूध पेड़े की रेसिपी, दूध बादाम पेड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।